style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or a dangerous thing. To do a dangerous thing. Hello viewers, assalamu alaikum. कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, आज है फ्राइडे का दिन और आज जोजी की तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों से जो है जोजी की तबीयत ख़राब है। अभी मैंने इसको नहलाकर साफ़ सुथरा करके राज के आने से पहले इसको कर दिया है रेडी, क्योंकि इसको लेके जाना है अब किसी और डॉक्टर के पास। डॉक्टर हम करेंगे चेंज, क्योंकि ये जिस डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहाँ से हम लोग काफ़ी दिनों से मेडिसिन ले रहे हैं, तो वहाँ से जोजी को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सोच रही हूँ कि जोजी के करवाए जाएँ टेस्ट और इसको जो है हॉस्पिटल लेके जाऊँगी और इसके टेस्ट करवाएंगे क्या मसला है, क्यों तबीयत इसकी ठीक नहीं हो रही। बुखार जो है वो उतरने का नाम ही नहीं दे रहा और उल्टी जो है वो मुसलसल आ रही है। जैसी मेडिसिन खाता है उल्टी कर देता है, ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके करवा लूँ टेस्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे जोजी को मैंने बड़ा अच्छा जो है वो फ्रेश कर दिया है, पाउडर वाटर लगा के, लोशन लगा के, और खुशबू आ रही है। हाँ, तो जोजी जो है वो हो गया है पापा के आने से पहले रेडी। ये देखिए, मैंने सारा इसको साफ सुथरा कर दिया अच्छी तरह, इसको नहला के उसके साथ मैंने इसको कूच कूच के जो है वो नहलाया। उसके साथ काफ़ी इसकी मैल उतरी है और बुखार था, तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, स्मेल आ रही थी इससे। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी तबीयत ख़राब है और उल्टी भी बार बार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज धूप भी निकली हुई है, वो पानी गर्म किया और इसको मैंने नहला दिया। मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल और साथ में बना रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी और हरी मिर्च की। ये मैं दही में डालूँगी, तो साथ में शामियाँ भी होंगी, चावल भी होंगे। और यहाँ पर आ गए हैं राज साहब भी घर पे, और जोजी को लेके जाना है हमने डॉक्टर के पास। फटाफट मैं खाना बना लूँ इससे पहले कि गैस बंद हो जाए, तो खाना खा के फिर जाती हैं डॉक्टर के पास। क्या हुआ है? हेलो, परेशान है? नहीं, ये अभी सिर थले सुटे हैं, तो पे बैठे नींद आ रही। चलो सोइयो फिर, मैं आते आना खा लाँगे। सोइयो तुसी जी, तुम ही सोइया, कुछ खाना। जोजी होते ही डेग गए। आज जोजी साफ सुथरा है और खुशबू इससे आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इसको मैंने किया है नीट एंड क्लीन, है ना जोजी? जोजी कह रहा मेरी धोन पे बहुत मैल है, इसको ज़रा चंगी तरह कूचे, तो मैंने इसको कूच दिया है इसके साथ। तो अब जोजी कह रहा है कि मैं साफ़ हो गया हूँ, नीट हो गया हूँ। जोजी का कंबल जो है वो भी मैंने धूप में डाला है, क्योंकि कितने दिनों से बुखार था, इसी कंबल में लेटा हुआ था। मैंने कहा ज़रा इसके कपड़ों को भी धूप लग जाए, इसके तकिए को भी धूप लग जाए और जोजी को खुद को भी धूप लग जाए और इसके बाप को भी धूप लग जाए, है ना? राज के भी जरासीम जो है वो थोड़े ख़त्म हो जाए। मुझे धूप लगी हुई है इसलिए नींद आ रही है। अच्छा, चले सो जाएं फिर। तो जी व्यूअर्स, राज अभी सोना पसंद करेंगे, इनको तंग कुछ खाएंगे फिर। अच्छा, खा के सोना। अच्छा अच्छा, आपको भूख लगती है? अपनी जान मेरे तो जमानी है, है? जो दिन कुटो हाँ। चलो बस थोड़ी देर बस सबर काट जो, चावल जेडे ने वो तैयार हो जाएंगे, मेरी चटनी बनाने बनाने तक चावल तैयार हो है। मैं बच गई। हाँ चलिए, इससे पहले कि राज को गुस्सा आ जाए मुझ पे, मैं फटाफट चावल बना लूँ। तो चावल मेरे हो गए हैं रेडी और साथ साथ में चाय भी बना रही हूँ। चाय इसलिए मैंने साथ बना लिया क्योंकि जोजी ने भी हमारे साथ ही खाना है। जोजी को मैंने स्पाइसी कोई चीज़ नहीं दे रही, चावल स्पाइसी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो ब्रेड खा ले, तो उसको मैंने ऊपर बटर लगा दिया है, वो चाय के साथ जो है वो खा लेगा, ठीक है?
सही है। तो चावल अगर तो बन गए हैं तो दे दो, भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा। चलते हैं जी अंदर। अंदर टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, रायता भी तैयार है। जोजी जोजी किसका वेट कर रहे हो? मेरा वेट कर रही हो या चाय का? चाय का वेट कर रहे हो? चाय बस आ रही है तो उस वक्त। चलो जी अब हम करेंगे स्टार्ट खाना। तो जी मैंने कर लिया है स्टार्ट। मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लग रही थी तो मैं खा रहा हूँ चावल। किलो डालो उसके अंदर टिक्की। टिक्का डाल दिए। अच्छा ये डालो रायता। रायता भी डालो इसमें थोड़ा सा। जरा खिलार के पास रहा। पहले थले खिलार जा। बस 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 जोजी भाई करो स्टार्ट। मजा आ रहा है ना। रायता डाल दो। आज हमारे चावल हो गए हैं खराब। ये इस पास वाली दुकान से लेकर आए हैं और ये देखिए इतने मजे के मैंने चावल बनाए हैं और ये बिल्कुल ऐसे जैसे खीर वाले चावल। लेकिन यार कोई बात नहीं, मकसद ये है कि हमने जो है ना पेट ही भरना है। क्यों भाई? ना वो शक्ल से भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। कोई गाने नहीं अंदर। ये चीज का होता है कि जो चीज आंखों को अच्छी लगती है ना वो खाने में भी अच्छी लगती है। तो अब क्या करें, अब बन गए हैं तो बस ठीक है। अब करें गुजारा। गुजारा करते हैं। जोजी मजा आ रहा है? जोजी के लिए हम लेकर आए थे कल बटर। इसको ब्लू बैंड बहुत पसंद है और जोजी कह रहे कि मैंने कुछ नहीं खाना, मुझे ब्रेड पे लगा के दे ब्लू बैंड। जी आज मेरी बर्थडे है तो आज मेरे लिए इतना बड़ा केक लेकर आई है। इतना बड़ा केक, जितनी मैं मोटी हूँ ना 10 pound का केक लेकर आया करो मेरे लिए। तो कंटेनर जिन्ना ना ले आया करा। कंटेनर नु कई मार के। नहीं वैसे मेरी बर्थडे नहीं है, वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था ब्राउनी खाने को। तो मेरा सिर्फ दिल चाह रहा था और मैं ही खाऊंगी और मैं किसी को नहीं दूंगी। ठीक है जोजी को दे देना थोड़ा सा। नहीं जोजी को रहने दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं। यार उसी कार इतनी अच्छी एड्डी वड्डी बना लेने हैं, बस दिल कर रहा है उसे फटाफट खान दे। चलो कार भी बनावांगे किसन ब्रोनी और व्यूअर्स को दिखाएंगे। डन 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 फ्रिज में रखे थे ना। हाँ इसको मैंने फ्रिज में रखा था, इसलिए ब्रोनी जो है वो वट्टा बन गई है। काला साबुन बन गई। काला साबुन। अच्छा ये दो जो है वो स्लाइस मेरे हैं। ओके और इसमें से आप जोजी को रहना और आप तो मैं ऐसे करो ये चारों मुझे दे दो तो जिदी थल्ले लगे और पूर पे आते हो मैं खा ना। यार इंज ना करया करो, हुन सारे इक्को जे खावांगे जल्दी। ये देखिए हमने ने चार हिस्से बना लिए। हम बड़े हैं, हम बड़े पीस खाएंगे। एना जो जी छोटे हैं उनको हमने छोटे पीस करके दे दिए। ये भी बच्चे हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स हम जा रहे हैं अब एना को ट्यूशन छोड़ने और जोजी की दवाई लेने के लिए। और तो जी व्यूअर्स हमें इजाजत नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को करें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और अपनी दुआ में रखें याद। और जोजी के लिए आपने प्लीज जरूर दुआ करनी है क्योंकि एक हफ्ते से बीमार है और अभी मैं इसके टेस्ट करवाने जा रही हूँ, इसको लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एना को भी साथ ही हम लोग ना छोड़ देंगे ट्यूशन। तो अब हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।